इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ ये दिया हुआ है, ये है इसे अगर दबाएंगे ये फिट हो गया, ये देख सकते हैं। इसे हम कॉलर पे लगाते हैं। तो गाइस इसने मैंने कॉलर पे लगा दिया है, तो आप लोग तो हे गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो गाइस मैंने बोया का एमोन माइक परचेज किया है अभी, तो हम करने वाले इसका अनबॉक्स। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास बोया का एमोन माइक है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं ये बोया लिखा हुआ है। चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो गाइस मैं थोड़ा इसका टेप उप निकाल देता हूँ। तो गाइस ओपन करने पे हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस इसमें मिल रहा है। इसमें मुझे एक बैग मिल रहा है जिसमें लिखा हुआ है बोया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बैग है। और इसके अंदर क्या है देख के पता चलेगा, पहले इसके देख लेते हैं। इसमें डॉक्यूमेंटेशन और क्या है देख लेते हैं। ये भी कुछ डॉक्यूमेंट्स ही है, बॉक्स खाली है। ये कुछ है आप देख सकते हैं, कोई दाना दाना जैसे समझ में आ रहा है। उसमें ये भी है आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर या लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए है, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो ये देख रहा होगा ये आपको ये कॉलर पे लगाने के लिए, यहाँ हम इसे लगा सकते हैं। इस तरह दिखा देते हैं आपको, हम लगा के इस तरह इसे लगा दे सकते हैं। तो गाइस अब ये बैग को खोलते हैं, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। बाकी माइक इसमें होना चाहिए। तो गाइस इसमें माइक, यस इसमें माइक और काफ़ी लंबी केबल मिली है गाइस। इसमें केबल तो काफ़ी लंबी है, देख सकते हैं आप, ये केबल काफ़ी लंबी है ये देख सकते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं ये माइक हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हम इसे क्यों बाय करते हैं। आप अभी नॉर्मल आवाज़ सुन रहे हैं जो कि मैंने अभी कोई माइक नहीं लगाया है, और ये फ़ोन से रिकॉर्डिंग की हुई आवाज़ सुन रहे हैं। और चलिए इसको हम देखते हैं। और गाइस एक बात और, इसमें माइक के साथ में ये सब चीज़ों के साथ में जो भी अभी हमने आपको दिखाया है, इसके साथ में एक वो भी होता है सेल, जो कि स्मार्टफोन के लिए यूज़ होता है, स्मार्टफोन या कैमरा के लिए होता है। आप इसे देख सकते हैं, इसे यहाँ पर ये बटन दी हुई है छोटी सी, ये अगर इसे ऊपर करेंगे तो कैमरा के लिए बटन ओपन हो जाएगा, नीचे करेंगे तो स्मार्टफोन के लिए है। और इसमें गाइस सेल रहता है जो आपके खोल के दिखा सकता हूँ, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जो कि मैंने स्टोर से परचेस किया है। तो इसमें उन्होंने लगता लगा के दिया है मेरे को, ये देखिए खुल रहा है यहाँ से, ये देख सकते हैं यहाँ पर सेल लगा हुआ, ये देख सकते हैं। तो गाइस चलिए अब इसको थोड़ा सा माइक को लगा के देखते हैं कि इसमें कैसी आवाज़ आती है। और तो गाइस मैंने माइक को मोबाइल फ़ोन में लगा दिया है। ये जो आपने हमारी आवाज़ सुन रहे हैं ये माइक की वजह से है, ये माइक लगा दिया है, ये देख सकते हैं आवाज़ आ रही होगी। और इसे कॉलर पे लगाते हैं, तो ये जो कॉलर पे लगाने वाला मिला है हमको, ये इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ ये दिया हुआ है, ये है इसे अगर दबाएंगे ये फिट हो गया, ये देख सकते हैं। इसे हम कॉलर पे लगाते हैं। तो गाइस इसने मैंने कॉलर पे लगा दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं पहले की और आवाज़ में और अभी की, जो अभी क्लियर आवाज़ आ रही होगी आपको समझ में आ रहा हो कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा। तो गाइस मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो माइक हमने परचेस किया है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। गाइस हमारी जो भी नॉइज़ रहती है इधर उधर की, फालतू की आवाज़ें आती रहती है, पर इसमें माइक को यूज़ करते हैं तो फालतू की आवाज़ नहीं आती। अभी मैं अंडरग्राउंड शूटिंग कर रहा हूँ, मैं घर से बाहर हूँ, इसलिए थोड़ी थोड़ी बहुत आपको आवाज़ समझ में आ रही होगी। तो गाइस इसे बड़े से बड़े यूट्यूबर यूज़ करते हैं, जो कि कितने भी मिलियन सब्सक्राइबर वाले हों या छोटे क्रिएटर हों, सभी इसे यूज़ करते हैं।
तो गाइज अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा। आप इसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट किसी भी साइट से मंगा सकते हैं। मैंने तो स्टोर से लिया था, मैंने इधर डिलीवरी अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने स्टोर से बाई किया था। ये 900 से 1000 रुपए के बीच में आ जाता है, काफ़ी भी अच्छा माइक है, आप इसे ख़रीद सकते हैं। तो गाइज वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।